नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुरु दिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत पहलवान गुरु दिन पब्लिक स्कूल। मैं अमृता जैन, समाजशास्त्र अध्यापिका, कक्षा 12। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांत के संबंध में, जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांत। जनसंख्या के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, अपने अपने विचारों को प्रकट किया है। यहाँ हम सर श्री माल्थस एवं सैडलर्स के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। श्री माल्थस ने सन 1978 में एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में अपनी जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। श्री माल्थस के अनुसार जनसंख्या सिद्धांत में तीन बातें लागू होती हैं। नंबर एक, मानव जीवन, मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से खाद्य सामग्री की पूर्ति पर आधारित होता है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। नंबर दो, यौन संबंधी मूल प्रवृत्तियाँ स्त्री पुरुष दोनों में सर्वभौम होती हैं। नंबर तीन, इस मूल प्रवृत्ति के कारण संतान का जन्म इतनी तेजी से होता है कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में भी किसी भी देश की जनसंख्या लगभग 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है, परंतु वहां के जीवन निर्वाह के लिए साधनों या खाद्य सामग्री की उत्पत्ति इस अनुपात में नहीं हो पाती है, क्योंकि कृषि में हाँस उत्पत्ति का नियम बहुत जल्दी लागू हो जाता है। अर्थात श्री माल्थस कहते हैं जनसंख्या ज्यामितिक वृद्धि अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि के नियम द्वारा तथा खाद्य सामग्री अंकगणितीय वृद्धि अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात एक समय ऐसा आ जाता है जब जनसंख्या प्रतिबंधों के अभाव में इतनी बढ़ जाती है कि इसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, भोजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस प्रकार श्री माल्थस के अनुसार यदि किसी देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका ना जाए तो उस देश की जनसंख्या वहां की खाद्य सामग्री की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में अति जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन की स्थिति को खाद्य सामग्री की पूर्ति के समान करने के लिए अर्थात जनसंख्या व खाद्य सामग्री में संतुलित स्थापित करने के लिए दो अवरोध क्रियाशील हो सकते हैं। नंबर एक, नैसर्गिक अवरोध और नंबर दो, निवारक अवरोध। नैसर्गिक अवरोध क्या है? नैसर्गिक अवरोध वह होता है जो स्वयं प्रकृति समाज पर लागू करती है। जब किसी देश में अति जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न होती है और खाद्य सामग्री की पूर्ति में बहुत तेजी से कमी होने लगती है, तो इस समस्या का समाधान प्रकृति स्वयं देती है या प्रकृति स्वयं करती है। और कुछ प्राकृतिक अवरोध जैसे प्लेग, हैजा, चेचक, महामारी तथा ऐसी दूसरी भयंकर बीमारियां जो महामारी का अकाल, भुखमरी आदि क्रियाशील होते हैं, जिनके कारण अतिरिक्त जनसंख्या नष्ट हो जाती है और उतने ही व्यक्ति रह जाते हैं जितनों के लिए देश में भोजन उपलब्ध हो सकता है। नंबर दो, निवारक या निरोधक अवरोध। वे होते हैं जो स्वयं समाज द्वारा सदस्यों पर लागू किए जाते हैं, अर्थात जनता स्वयं इतनी समझदार हो जाती है, जनता में स्वयं में इतनी समझ आ जाती है कि वह संतान उत्पत्ति निरोध नियम, नैतिक संयम आदि निवारक अवरोधों की सहायता से जनसंख्या को अधिक बढ़ने नहीं देती है। इस प्रकार प्रथम अवरोध द्वारा मृत्यु दर में वृद्धि करके तथा द्वितीय अवरोध द्वारा जन्म दर में कमी करके जनसंख्या व खाद्य सामग्री में संतुलन स्थापित किया जाता है।
सैडलर का जनसंख्यात्मक सिद्धांत। श्री सैडलर के मतानुसार जैसे जैसे नई पीढ़ी जन्म लेती जाती है या जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, सैडलर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे नई पीढ़ी का जन्म होता जाता है और या फिर जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, दोबारा संतान उत्पन्न करने की व्यक्ति की दूसरी बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी होने लगती है तथा संतान उत्पन्न करने की शक्ति की मानव समाज में कमी उत्पन्न होने लगती है। सैडलर कहते हैं कि रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए या ऊंचा उठाने के साथ जनसंख्या वृद्धि में कमी होती जाती है और उच्च स्तर की जन्म सीमा पर वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती है। अर्थात मानव जब शिकार करने की अवस्था में था, तो उसमें संतान उत्पन्न करने की शक्ति सर्वाधिक थी, परंतु जैसे जैसे वह इस स्तर से क्रमशः पुनः पशुपालन की स्थिति, कृषि की शक्ति स्तर और अंत में औद्योगिक स्तर पर आ पहुंचा, वैसे वैसे उसकी संतान उत्पन्न करने की शक्ति में कमी आती गई या उसकी शक्ति घटती चली गई। इस प्रक्रिया में हम एक ऐसे आदर्श स्तर की कल्पना कर रहे हैं या ऐसे आदर्श स्तर की कल्पना की जा सकती है जब मानव में संतान उत्पन्न करने की शक्ति एक संतुलित अवस्था में होगी, साथ ही साथ समाज में अधिक से अधिक लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होंगे, जनसंख्या के घनित्व में वृद्धि और धन के पारस्परिक संबंध का उल्लेख करते हुए श्री सैडलर कहते हैं कि अधिक धन का प्रभाव व्यक्ति की संतान उत्पन्न करने की योग्यता पर काफी मात्रा में प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार हमने समझा जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांतों को। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो पहलवान गुरुदीन गुरु फॉर कॉलेज के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए।